Hey, hi guys, welcome to the Quant Lab. The Quant Lab में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी जो कि बेस्ड है बुक एल्गो ट्रेडिंग विनिंग स्ट्रैटेजीज एंड देयर रैशनल बाय अर्नस्ट पी चैन। दिस इज द बुक ऑन Amazon, आप इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑल्दो थोड़ी पुरानी है और मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है। काफ़ी अच्छी बुक है, ई पैड जो मैंने कोर्स किया था उसमें हाईली रिकमेंडेड बुक है। द ऑथर इज रियली नाइस, काफ़ी अच्छा इंटरमीडिएट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप एल्गोरिथम्स और स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द कोड। ये नोटबुक रन की हुई मिल गई मुझे, तो मुझे रन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर इंडियन मार्केट, स्टे ट्यून्ड फॉर अ वीडियो अराउंड। अभी दिस इज मोर ऑफ अ रिसर्च कॉन्वर्सेशन, तो मैं इस नोटबुक को स्टडी कर रहा हूँ जो कि किसी मुझे सेशन में या कहीं पर मिली थी इंटरनेट पे। अगेन बिग शाउट आउट टू द पर्सन हु हैज क्रिएटेड इट, दैट्स अ ग्रेट वर्क। तो इस बुक में कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी वन टू लाइंस बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टफ है, लाइब्रेरीज हैं, डेटा इंपोर्ट की लाइब्रेरीज हैं, प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज हैं एक्सेट्रा। यहाँ पे इन्होंने डेटा को लिया है TU शेयर लाइब्रेरी यूज़ करके। ये लाइब्रेरी पब्लिक चाइना का डेटा या SNP डेटा के लिए यूज़ होती होगी। तो कुछ टेस्ट्स हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेशनरी टेस्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं। स्टेशनरी क्या होती है, किसी भी टाइम सीरीज में अगर आपको मीन और वेरियंस कॉन्स्टेंट मिलती है तो उसको स्टेशनरी टाइम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि ये है कि ये मतलब कॉन्स्टेंट फ्लो है, आराम से चल रही है। कुछ टाइम सीरीज जो होती हैं कि टाइम डिपेंडेंट मीन होता है, मीन सेम है लेकिन चेंज होता जा रहा है, फिर टाइम डिपेंडेंट वेरिएंस भी होता है और फिर टाइम डिपेंडेंट कोवेरिएंस भी होता है। तो मल्टीपल नॉन स्टेशनरी सीरीज हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द सीरीज जो होती है वो नॉन स्टेशनरी होती है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि स्टेशनरी टेस्ट सीरीज पर करें या कन्वर्ट करें किसी तरह से एक्सेट्रा। तो ये ज़रूरी है जानना कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टैट्स मॉडल में एक लाइब्रेरी है जिसको ADF फुलर बोलते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन ADF टेस्ट। इसको आई थिंक सम ऑगमेंटेड डिकी, हाँ ऑगमेंटेड डिकी फुलर यूनिट रूट टेस्ट बोलते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि डिटरमाइन करता है कि टाइम सीरीज स्टेशनरी है कि नहीं। ये थोड़ा एरर प्रोन टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है और Type 1 और Type 2 एरर्स के लिए थोड़ा सा प्रोन है, बट उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस कॉन्वर्सेशन में। ऑलराइट, इसके आगे एक अलग स्टैटिस्टिक यूज होता है जिसको बोलते हैं हर्स्ट कंपोनेंट, और ये एक सिंपल सिंगल वैल्यू है जिसको यूज करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपका टाइम सीरीज है वो प्योरली रैंडम है, वो ट्रेंडिंग है, मीन रिवर्टिंग है या किस तरह का है। मतलब H अगर 0.5 से नीचे होता है तो स्टेशनरी मान लेते हैं, 0.5 होता है तो रैंडम, और 0.5 से बड़ा होता है ट्रेंडिंग। इसके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी नहीं यूज़ की है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ मैंने देखा वहाँ पे ये कैलकुलेट ही होता है हर्स्ट और नंबर या हर्स्ट इक्वल जो भी बोलते हैं हर्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे 5.5 आई है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट रैंडम है। फिर लास्टली एंड मूविंग फॉरवर्ड एक हम लोग एक और रेशियो निकालते हैं जो कि ये हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि जिसको वेरियंस रेशियो बोलते हैं, विच इज सिंपली अ रेशियो ऑफ वेरियंस टू मीन। इससे आप थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं आपकी टाइम सीरीज में है कि नहीं। एंड फाइनली इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो कि को इंटीग्रेशन का है। तो CADF टेस्ट यूज़ करते हैं जिसके लिए ये लोग दो स्टॉक के बीच का कोरिलेशन निकालते हैं। तो अगर कोई दो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज में लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो इस टेस्ट को यूज़ करके दिख जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी कोशिश की है, लेट्स सी वेयर दे हैव डन दैट, और वी लोड द डेटा डायरेक्टली। या तो यहाँ पे इन्होंने एप्पल और IBM का डेटा लिया है, ये सारा डेटा रीड करने का कोड है यहाँ पे बहुत सारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा रीडर से एप्पल और IBM का डेटा रीड किया गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी प्री प्रोसेसिंग की गई है, कॉलम मैपिंग की गई है एक्सेट्रा, और फाइनली इन्होंने स्टैट्स मॉडल में जाके इन्होंने वो को इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया है। को इंटीग्रेशन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स -1.12 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 90% थ्रेशोल्ड, एंड इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम दैट एप्पल और IBM का कोई को इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता है शेयर प्राइसिंग में। अगेन ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम सीरीज के बेसिक्स क्लियर हों,
काफ़ी लोग ट्रेडिंग में जाते हैं बट एल्गोस कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं बट ट्रेडिंग स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन नहीं लेना चाहते, बहुत डीप में मत जाइए बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू नो द बेसिक्स। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मीन रिवर्टिंग स्ट्रैटेजी है। इसमें मैं बेस स्ट्रैटेजी कवर कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन में नहीं जाऊँगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो कैलमन फिल्टर वगैरह में गए हैं जो ऑनेस्टली मेरे लिए भी एक्सप्लेन करना अभी क्वाइट चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले मैंने एक बोलिंगर ब्रांड बेस्ड मीन रिवर्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे इन्होंने डेटा लिया है, तो दो सी मल्टीपल डेटा से उठाए हैं, बहुत सारे इधर उधर से डेटा सेलेक्ट किए हैं, मसाज किया है डेटा को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फाइनली यहाँ पे आके वो लोग कन्वर्ज कर गए हैं कौन सा लेना है। तो USO विच इज़ आई थिंक सम ऑयल या समथिंग, और स्टॉक क्या है ये देखें, USO यूनाइटेड स्टेट्स ऑयल ETF, और GLD तो प्रॉब्लम कोई गोल्ड होगा, हाँ SDPR गोल्ड ट्रस्ट, ठीक है। ये गोल्ड और ऑयल के कुछ प्राइसेस को यूज़ किया गया है और उसके बीच में प्लॉटिंग की गई है। अब यहाँ पर एक्चुअल में कोड स्टार्ट हुआ है, ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन और कैसे एक्टिविटी है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इस कोड में यहाँ पे इन्होंने ये कोशिश की है कि जो ट्रेडिंग डे है और उसके साथ USO और जी गोल्ड ऑयल और गोल्ड दोनों के अगेंस्ट एक हेज रेशियो डिटरमाइन करने की कोशिश की है। हेज रेशियो बेसिकली OLS यूज़ करके बनाया गया है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, जिससे आप एक लीनियर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे आइडिया ये है कि हेज रेशियो क्यों ज़रूरी है, कि अगर मुझे एक ऑफसेट के रिस्क को बैलेंस करना है तो मुझे दूसरा एसेट कितना खरीदना पड़ेगा, तो दैट इज़ व्हाट द हेज रेशियो इज़, और यहाँ पे वही कैलकुलेट किया है। इसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग का कोर कोड है, ये हार्ट है जो ये 72 वाला है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेटा इन्होंने रीड किया, थोड़े कैलकुलेशंस किए और तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें कैलकुलेट की। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे प्राइस स्प्रेड को ले लिया है इन्होंने, प्राइस का स्प्रेड अलग अलग पॉइंट्स है, फिर मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिया है, और इसके बाद इन्होंने जेड स्कोर कैलकुलेट किया है। इस जेड स्कोर को यूज़ करके इन्होंने लॉन्ग या शॉर्ट एंट्रीज ली हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसकी कैलकुलेशंस और डॉलर पोजीशंस को हेज रेशियो को यूज़ करके मल्टीप्लाई किया है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जिस हिसाब से बाय या सेल होंगे उसी हिसाब से डॉलर पोजीशन भी अपडेट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन हेज रेशियो। उसके बाद इस स्ट्रैटेजी का PNL कैलकुलेशन किया गया है, जो इसका PNL है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, शार्पे रेशियो कितना है, APR कितना है, और तो प्राइस स्प्रेड शार्पे इज 1.5 एंड प्राइस स्प्रेड APR इज 34.25। यहाँ पे इन्होंने प्लॉट शो नहीं किया है, विच वुड हैव बीन अ गुड एक्सरसाइज टू सी। मैं जब इसको इंडिया के लिए रेप्लिकेट करूँगा तो प्रॉब्ली मैं प्लॉट ज़रूर करना स्टार्ट कर जाऊँगा। तो आई विल टेक अ पॉज हियर एंड से दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी, अगर आप स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं और डीप में, और आपको कोई स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है जिसका कोड आप लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं और उसमें हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ रीच आउट कीजिए, कमेंट में डालिए, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने OLS को यूज़ करके, रिमेंबर हमने हेज रेशियो को कैलकुलेट करने में OLS का यूज़ किया था, सो डिड आई से दैट रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड, OLS कहाँ पर यूज हुआ था, हाँ हेज रेशियो में OLS यूज हुआ था, करेक्ट। तो OLS के बदले हम लोग कैलमन फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज द हेज रेशियो और एवरेज जो आगे यूज़ किया गया है। तो कैलमन फिल्टर एक डिफरेंट काइंड ऑफ लीनियर एल्गोरिथम है कंपेयर टू OLS, और उसको यूज़ करके यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अपडेट की गई है। तो KF कैलमन फिल्टर की वैल्यूज़ ली गई हैं और उसके बाद फिर हेज रेशियो को अपडेट किया गया है, और फिर कुछ अलग स्टेट्स कैलकुलेट किए गए हैं और मूविंग एवरेज का स्प्रेड। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल मीन रिवर्जन है, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग है। फिर ट्रेडिंग कैलेंडर पे कैसे स्प्रेड करना है, जो कि फ्यूचर्स के कॉन्वर्सेशन में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी मैं नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा। इसके अलावा कुछ मोमेंटम स्ट्रैटेजीज भी देखा है इन्होंने, बट मैंने मोमेंटम स्ट्रैटेजी को नहीं देखा है ऑनेस्टली अभी तक। बट एज इन ऑल इट्स अ ग्रेट नोटबुक टू लुक एट इफ़ यू वॉन्ट टू डू सम रिसर्च, और इस द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी सिंपल है,
लेकिन अगर आप इसको यूज़ करके इसमें अपने पैरामीटर्स या कस्टमाइजेशन ऐड करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।